हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक का डेविल। और देखिए ये है पीठा। ये देखिए अभी बोगी नहीं तो देखो या कुछ सीरीज से नीचे उतर है। चलो तो पढ़ाई नहीं करोगा तो तुमको तो बात नहीं मिलेगी। ठीक है चलो नीचे चलो चलो नीचे चलो। आज हम बनाने जा रहे हैं देखिए चूसी पीठा। देखो चलो धीरे धीरे। ये आ गया किचन। देखो यहाँ बानू क्या कर रहा है, कर रही है, सॉरी। हाय बोल मेरे दोस्तों को, बोलो हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये है बानू। क्या बना रही हो तुम? चाय। टेबल बनाएंगे एक चॉप, और ये भी बनाएंगी। ये है पीठा बानू। ये देखिए मैंने आलू उबाल के रखा था, इसको हम छील लेंगे। इसके बाद इसका जो चॉप बनाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से छील लेंगे। आ गया, देखो हाय बोलो मेरे फ्रेंड्स को, बोलो बोलो। छुप के भाग गया। चलिए सब पूड़ बनाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल देन। ये ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं दे रही हूँ यहाँ पे जीरा। ओ नाइफ हटाओ, फिर आप डाल दीजिए कटा हुआ अनियन। जस्ट पिंक होने तक इसको फ्राई कीजिए, या खूब पीछे बदमाशी कर रहा है। जस्ट पिंकिश होने तक फ्राई कीजिए, तो ज्यादा फ्राई मत कीजिए। देखो पीछे से आपको सुनाई दे रहा है ना, आपको बदमाशी कर रहा है। अब हम इस पे देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। एक साथ मैंने पेस्ट किया हुआ है। 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। फिर अच्छे से इसको फ्राई करना पड़ेगा। और भी मसाला डालूंगी आपको दिखा रही हूँ। पहले हम डालेंगे हल्दी। डालो लिटिल बिट, हाँ बस 1/2 टीस्पून। नमक दो, नमक आप स्वाद अनुसार, मैं कम ही डाल रही हूँ। फिर आलू में कम ज़्यादा होगा तो मैं ऐड कर दूँगी। ये है जीरा, दो दो बानू दे रही है। ये है लाल मिर्च। और ये है काला मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर। सब आधा आधा टीस्पून। ज़्यादा स्पाइसी अगर आपको करना है तो मसाले का जो अमाउंट है, ये है धनिया। मसाला का जो मेजरमेंट है वो आप ज़्यादा कर दीजिए। फिर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा स्पाइसी खाइए, कोई बात नहीं। ये है गरम मसाला। अब ऐड करें, बाद में भी थोड़ा ऐड करेंगे। अभी आलू डाल दो इसमें। ये देखिए मसाला भूनना हो चुका है। अब आलू डाल के भी हम लोग आलू को भून लेंगे इसमें। देखो आज राइसा हमारे घर रहने आई, इसीलिए मैं उसके लिए मैं एक डिश बना रही हूँ। हाय बोलो राइसा। हाय। सारा दिन बेचारी मेरी बेटी पढ़ती रहती है, इसलिए उसको कुछ अच्छा सा खिलाऊंगी। मामा के घर में आई है बेचारी। देखो इस मसाले को भूनना पड़ेगा अच्छी तरीके से। याकू से हाय टू योर फ्रेंड्स। हाय। तो की रान्ना करछे मम्मा? तुम बोलो क्या? तुम बोलो। डिमर चॉप ডিমের ডেভিল। কেমন গন্ধ বেরোচ্ছে? কেরম গন্ধ বেরোচ্ছে? চিকেনের মতো গন্ধ বেরোচ্ছে। রাইসা সল্ট টেস্ট করকে দেখো তুমি। গরম হ্যাঁ ধ্যান সে। হুম
थोड़ा नमक लगेगा, ठीक है। फिर हम जब चॉप बनाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। Stay tuned। सब मैंने कट करके रख दिया है। एक अंडे का 4 पीसेस बनाइए, ठीक है। आपको ज्यादा अंडा खाना है तो हाफ हाफ पीसेस बनाइए। फिर इसको हम पूरे जो यहाँ पे आलू का पूर बना है इसको हम कोट करेंगे। सारे चीजें रेडी है यहाँ पे, देखिए। ये है आलू का पूर, ये है ब्रेड क्रम्स, और ये है अंडा। मैंने थोड़ा सा फेट लिया है, थोड़ा नमक और चिली पाउडर दे दे। अब सब रेडी करके आपसे मिलते हैं। ये हो गया है हमारा डेविल्स चॉप रेडी। थोड़ी देर हम लोग फ्रिज में रखेंगे टाइट होने के लिए। जब फ्राई करेंगे फिर ये छूटेगा नहीं। ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और टाइम नहीं है फिर भी आप फ्राई कर सकते हो, मगर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो हम लोग इसको फ्रिज में रखने जा रहे हैं, फिर 10 मिनट्स बाद इसको हम फ्राई करेंगे। ये मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है। अभी हम पीठे बना रहे हैं, सूसी पीठे। अराउंड 1/2 लीटर मिल्क है, इसको हम कम करके उबाल के 1 लीटर तक लाएंगे। और ये हम डाल रहे हैं बे लीव्स, तेज पत्ता। थोड़ा गर्म हो चुका है मिल्क। जब तक हमारा ये मिल्क बॉयल होगा, कम होगा, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। साथ में मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल में हम लोग जो चॉप है वो फ्राई कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट करके काम करना पड़ता है। जब आपको बहुत सारा काम करना है तो डेफिनेटली आप एक प्लानिंग कर लीजिए, एक प्लान बना लीजिए किसके बाद आप क्या करोगे, दिमाग में ही आप सेट कर लीजिए। फिर आप देखना 100% आप बहुत सारे आइटम कम टाइम में बना सकते हो। मेरे घर में जब मेरे फैमिली ईद के टाइम, बकरीद के टाइम, या फिर कोई विजिटर्स आता है, गेस्ट आता है, मैं बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लानिंग रहता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं शेयर करी हूँ मेरा टैक्टिक्स, कैसे हम मैं करती हूँ, कैसे सब प्लानिंग करके करते हो। आप ट्राई करना, देखना 100%। कभी कभी मैं तो लिख के भी रख देती हूँ क्या किसके बाद क्या करना है, इसके बाद वो करना है। तो इससे टाइम भी सेव होता है और मेहनत भी कम लगती है। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब ऑयल दे देंगे। यहाँ पे मैंने देखिए सिनेमन स्टिक्स डाल दिया है 2, और ये मैं डाल रही हूँ इलायची। अच्छे से इसको हिलाना पड़ेगा वरना नीचे से जल जाएगा। ये हमारा जो चूसी है चावल का आटे से हमने बनाया है, खमीर बना के फिर इसको करना पड़ता है, और फिर हम इसमें दूध उबलते ही इसमें डाल देंगे, फिर धीरे धीरे उसको कुक करेंगे। दूध कम हो चुका है, देखिए। अब हम धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे, एक साथ मत डालिए वरना सब एक साथ चिपक जाएगा और अच्छे से कुक नहीं होगा। मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। कल मेरे एक भाभी थी, उसने बनाया था, मुझे खा के अच्छा लगा था, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ घर पे। सारे चूसी हम लोग धीरे धीरे डाल दिए हैं, अब इसको कुक कर रख दीजिए। 10 to 15 मिनट्स तक ये कुक होगा, और फिर हम लोग इसमें गुड़ डालेंगे। और डायबिटिक पेशेंट जो है आप शुगर भी डाल सकते हो और चीनी भी डाल सकते हो। ये हो गया ऑयल गरम, बहुत ही गरम ऑयल में आपको ये एक छोड़ना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे मैं छोड़ रही हूँ। ज़्यादा एक साथ मत डालिए, 1-2 करके फ्राई कीजिए। एक बार मैंने एक बहुत पहले मुझे खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो एक साथ मैंने सारे डाल दिए थे और फिर गैस को स्लो कर दिया था। बस क्या हुआ, सारे जो पोटैटो का कोटिंग था सब खुल गया और ऑयल में मिलके पूरा हलवा बन गया था। तब से मैंने सीखा है पोटैटो या फिर कोई भी आप इस तरह की चीज़ें पोटैटो से बना रहे हो तो डेफिनेटली हाई फ्लेम ऑयल में ही आप छोड़िए, और उसको एक साथ ज़्यादा ना छोड़िए। देखिए ये तो जो पोटैटो है ऑलरेडी बॉइल्ड है,
जो पोटैटो है ऑलरेडी बॉइल्ड है, इसीलिए ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, कच्चा तो नहीं है ना, तो इसीलिए आप धीरे हॉट ऑयल में छोड़िए इसको। सॉरी बानु काम कर रहा है, बर्तन धो रही है इसलिए साउंड आ रहा है साइड से, उसको मैं डांट रही हूँ, अभी मत धो बर्तन। जब हम पकोड़े वगैरह शॉप में खाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं वो लोग, ऑयल को ऊपर देते हैं सुखाने के लिए। कुछ कुछ ट्रिक्स जो है हम लोग बाहर से भी देख के एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वो सीखते हैं, अप्लाई करते हैं। ये हो गया, देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब बोलो। दारुण लग रहा है, टेस्टी, अनेक टेस्टी। ऐसे को पसंद है, चलो गर्मा गर्म बेबी, आप भी बनाइए आप भी खाइए। अब बानो खान रुक जा, पहले खा तो ले फिर उसके बाद बोल। पहले खाओ, टेस्ट करो, उसके बाद बोलो कैसा हुआ है। खूब भालो हो चे रन्ना था। याकूब हाउ इज इट? আমি রান্না করেছি কিন্তু কেমন হয়েছে বলো? ভালো হয়েছে। কত ভালো হয়েছে? অনেক অনেক। তুমি ফ্রেন্ডসদের বলো তাহলে, তোমরাও বানাও আর খাও। তোমরা বানাবে? বাই বাই ফ্রেন্ডস বলে দাও। দেখিয়ে কিতনা ইয়ে গাঢ়া হয়ে চুকা হয়। দেখিয়ে মানে জ্যাগারি ভি ডাল দিয়া থা আপি 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा चौसी पीठे तैयार, देखिए बहुत ही बढ़िया है खाने में। भानु कैसा बना है पीठे? बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। हाँ। बहुत अच्छा बना है, आप भी बनाइए और घर में खाइए। बाय बाय फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। डेफिनेटली जो नए दोस्त है, जो नए सब्सक्राइबर्स है, सॉरी, सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो मेरे वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा और थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, होप टू सी यू सून विथ नेक्स्ट वीडियो, बाय। और कुछ खमीर बच गया था, उससे मैंने चावल का आटा का रोटी बना लिया है।